ओम शांति दीदी जी। बहुत अच्छी, ओम शांति। सबसे पहले जितने भी बाबा के बच्चे अभी देख रहे हैं लाइव, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से और सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से, और विशेष बाबा की जो पावर ऑफ सकास टीम की तरफ से, जो बाबा के बेहद सकास सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, उन सभी आत्माओं की तरफ से हमारे आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड आशा दीदी जी का आज के इस लाइव वेबिनार अंतिम समय की सेवा मनसा सेवा में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कभी दृढ़ता की बात आती है, अनुशासन की बात आती है, तो हमारे स्मृति पटल में एक ही चेहरा सामने आता है, हमारी आदरणीय आशा दीदी जी। जब भी किसी मेगा प्रोग्राम योग भट्टी या संगठित योग की बात आती है, तो निश्चित तौर पर हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है, आशा दीदी जी का। आप डायरेक्टर हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर के, और आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं एमए सोशियोलॉजी में। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे बहुत सारे वीवीआईपीज की आपने निश्चित तौर पर बहुत विशेष सेवा की है। आप यज्ञ के ऐसे पिलर हैं जिन्होंने बाप दादा से, विशेष हमारी दादियों से, राइट हैंड बनकर विशेष पालना ली है, और दीदी जी से हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि एक योग की शक्ति है, हमारे यज्ञ की ऐसी दिव्य महान आत्मा है जिन्होंने खुद फरिश्ता बनकर अनेकों को, हजारों को अपने समान फरिश्ता बनाया है। आइए मिलते हैं ऐसे दिव्य महान आत्मा से, योग शक्ति आदरणीय आशा दीदी जी के सानिध्य में आज हम विशेष रूप से मनसा सेवा की गहराइयों में जाएंगे। आदरणीय दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक वंडरफुल बात है, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएंगे जबकि हम एक ही घर में रह करके एक दूसरे से इतने दूर होंगे, मिल भी नहीं पाएंगे, चार जन इकट्ठे भी नहीं बैठ पाएंगे। ये सब प्रदर्शित करता है समय कितना बलवान है, और एक सेकंड का, समय का बदलाव महान परिवर्तन सारे जहान में ले आता है। मैं याद करती हूँ इस संदर्भ में अपनी आदरणीय दादी जानकी जी को, जिनका जाना इतना वंडरफुल है। मैं समझती हूँ ऐसा प्रस्थान आज दिन तक इतिहास में किसी आत्मा का नहीं रहा होगा कि चीफ वो डिपार्ट कर रही है और एक फूल भी कहती है मेरी अर्थी पर ना हो, जो चाहना थी वो उसकी पूरी हुई। दूर दराज से जो अन्यथा भाई बहने आकर के एकत्र होते देश और विदेश से, उन सबके आने पर प्रतिबंध लगा दिया और एक भी आत्मा आज विश्व में ऐसी नहीं है जो वर्तमान समय की परिस्थितियों से अनभिज्ञ है, प्रभावित नहीं है। ये है उस शक्तिशाली आत्मा का प्रताप जिसने एक ने करोड़ों को बांध के रख दिया, दिशा बदल दी, स्वरूप बदल दिया। एक भी ब्राह्मण आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर
वैराग्य की वृत्ति जागृत ना हुई हो। मैं याद करती हूँ बाबा की एक मुरली, जिसमें बाबा से जब पूछा गया कि बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा ने कहा था, जब सबके मन में वैराग्य आएगा, वैराग्य होगा तब विनाश की ज्वाला प्रकट होगी। तो अंतिम समय में जो सीन सीनरी बाबा ने हमें बताई हुई है, पांचों तत्वों का अटैक होगा, सारे कर्म बंधन निकल करके आएंगे, अपने वे संस्कार जिनको हम समझते हमने जीत लिया है, वे संस्कार भी इमर्ज होंगे, उसके साथ साथ ईविल सोल्स का भी पार्ट होगा आदि आदि। बाबा ने कहा, बच्चे तुम सोना भी देंगे ना तो एक बूंद पानी का भी नहीं मिलेगा। आज की जो दशा है लगभग उस स्तर पर है। ऐसे समय पर हम बच्चे जो कि बाबा के स्थापना के कार्य में निमित्त हैं, हमारा योगदान विनाश के लिए नहीं है, हम विनाश की तैयारियां नहीं करते, हम शंकर के बच्चे नहीं हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और ब्रह्मा स्थापना के निमित्त है। ब्रह्मा ने सर्व आत्माओं को गति सदगति का मंत्र देना है, उन्हें उस घर तक पहुंचाना है। ये सारा रोल ब्रह्मा का है, चाहे वो साकार रूप चाहे वो अव्यक्त रूप से प्ले करे। तो ऐसे वक्त पर प्यारे बाबा ने, मैं मुरलियां देख रही थी, लगभग 69 से जब बाबा अव्यक्त हुए हैं, बाबा ने मनसा सेवा की आवाज बुलंद की है। उस समय से बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। इससे पूर्व दादी जानकी अपने अनुभव में सुनाया करती थी कि अगर कोई आत्मा कोई कार्य कर रही होती थी, जो कि आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में भी है, कोई आत्मा स्टेज पर भाषण कर रही है, उस समय हमारी मनसा कैसी है, क्या हम उसे सहयोग का सकाश दे रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं इसने ये पॉइंट नहीं बताया, इसने ये पॉइंट नहीं बताया, इसको ये बताना चाहिए, इसको ये बताना चाहिए। इस तरीके के संकल्प उस आत्मा को मदद नहीं करेंगे। दादी जानकी को ब्रह्मा बाबा ने ये बात सिखाई कि जब कोई बहन भाषण कर रही है उस समय तुम्हें क्या करना है, और दादी कहते थे मैं उस समय योग भी उसको वो सकाश जो पॉइंट होनी चाहिए वो पॉइंट उस समय मैं ट्रांसमिट करती थी, उसके साथ ही बैठती थी और ट्रांसमिट करती थी ये बात ये बात ये बात। और वो बहन वो पॉइंट्स बोलती जाती थी। ये क्या है मनसा योगदान,
इसी रीति से हमारा अपना अनुभव है, जब कभी हम वीआईपी से मिलने का अपॉइंटमेंट होता था, जाते थे, तो दादी जानकी ने कहा था कि जब कभी ऐसा हो मुझे लंदन में फोन करना, मैं लंदन से सकाश दूंगी। ये है मनसा सेवा, दूर से। और हम भी जब कभी हमने ज्ञानी जैल सिंह जी से मिलना, सोनिया जी से मिलना, राजीव जी से मिलना, नरसिम्हा राव जी से मिलना, अटल जी से मिलना, जब कभी हम कोई वीआईपी से मिलते थे, महामंडलेश्वरों से मिलते थे, तो हम दादी को फ़ोन करते, दादी आज हम इस विषय पर मिलने जा रहे हैं और आप सहयोग देंगे। एक बार हमारी स्टैम्प बाबा की जो निकल रही थी उसके विषय में, वो दूसरी कहानियां हो जाएंगी, लेकिन उस समय भी जो हलचल हुई थी, उस समय आदरणीय गुलजार दादी प्रेसिडेंट से मिल रही थी, ब्रिजवन भाई प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, उधर दादी जानकी, दादी कुमार का सकाश दे रहे थे। ये है मनसा योगदान सहयोग। अब मनसा सेवा कोई नई चीज बाबा ने नहीं बताई है। अगर आप गौर करेंगे तो बाबा की मुरलियों में एक नहीं अनेकों बार आया है कि बच्चे मन, वाणी और कर्म तीनों से सेवा इकट्ठी करनी है, इकट्ठी इकट्ठी होनी चाहिए। एक बार दादी गुलजार से सवाल किया था, दादी जब हम वाणी से सेवा कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, तो हमारा योग कैसे लगेगा और कर्म से कैसे होगा, मनसा हमारी कैसे लगेगी। दादी ने बहुत सुंदर इसका जो रिप्लाई दिया था कि उस समय भले स्थूल रूप में सम्मुख वाणी हमें दिखाई दे रही है, वाणी द्वारा सेवा हो रही है, लेकिन उससे पूर्व बाबा की याद में इतना पावरफुल रीति से मैं किस कार्य के निमित्त जा रही हूं, किसका कार्य है, और जो आत्माएं सम्मुख हैं वो किसकी संतान है, उनको क्या देने जा रही हूं। जब इस प्रकार से आप अपने मन को तैयार करेंगे तो वो शुभ भावनाएं और वो शक्तिशाली प्रकंपन आपके वाणी के द्वारा निस्सृत होंगे। कर्मणा के द्वारा दादी ने कहा, आपका जो चेहरा है जिस समय आप वाणी की सेवा कर रहे हैं, आपके चेहरे से उस समय आप नजर नहीं आओ परंतु बाबा नजर आए, इतना अपने संस्कारों को आपने विलय कर देना है। हम अपनी दादियों को देखते हैं, दादियों ने ये करके दिखाया। मनसा सेवा कोई बैठ करके मात्र करने की चीज नहीं है, मनसा सेवा मन की सेवा। मैंने अपने मन को तैयार किया है सेवा के लिए। क्या ये मन जो आज मेरा है, उस मन के द्वारा मैं सेवा, वो इंस्ट्रूमेंट मन क्या तैयार है, वो मन मेरा दास है, मैं मालिक हूं, वो दास है, मेरे कहने पे चलने वाला है, ये चीज हमें चेक करनी है।
कि मन को पहले तैयार करना, जिस मन में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हम ब्राह्मण नकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, बाबा ने हमारी बुद्धि को दिव्य बनाया है, हमें दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य संस्कार दिए हैं, बाबा के हम मीठे बच्चे नकारात्मक और अशुभ सोच ही नहीं सकते, वो आसुरी दुनिया का काम है। हमारा काम नकारात्मक नहीं, तो फिर भी जब चेक हम करेंगे तो हम पाते हैं हमारे संकल्पों में साधारणता है। कभी फालतू संकल्प होते हैं, वो भी है। कभी निरर्थक होते हैं, वो भी होते हैं। और आज बेशक हमने व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त की है, पुरुषार्थी हैं, परंतु वो भी होते हैं। हमें पहले ये जो तीन हैं पहले वाले, उनके ऊपर नजरदारी रखनी है। मैं कौन और मेरा कौन, दादी जानकी ऐसे ही थोड़ी बोलती थी। अपने स्वमान को इमर्ज करें, प्यारी गुलजार दादी हमेशा कहती थी, जब भी मैं कहो तो मैं कौन सी आत्मा हूं वो याद आए, मेरा कहो तो मेरा बाबा कौन है, क्या महिमा वाला है वो याद आए। सिर्फ साधारण रूप से शिव बाबा कहना, साधारण रूप से अपने को आत्मा कहना, ये पर्याप्त नहीं है, ये ऑर्डिनरी है, साधारणता है। उसमें बल भरना है, स्वमान सहित। जब ऐसे स्वमान, इतनी ऊंची सोच हम रखेंगे, तब तो हमारे संकल्प सेवा करेंगे ना, तब तो ये मन सेवा करने के योग्य बन सकेगा ना। साधारण मन क्या सेवा करेगा, साधारण मन में तो शक्ति नहीं है, वो अपने को ही संभालने बहुत है। लेकिन अगर किसी चीज को हमने लाना है सेवा में, उसको योग्य बनाना है, तो आज कन्याओं को भी हम ट्रेन अप करते हैं, भाई बहनों को ट्रेन अप करते हैं, तो अपने मन को भी तो उस स्तर पर लाना होगा, मन को भी तो हमको इतना ऊंचा उठाना होगा। वो मन मेरा इतना सशक्त हो जाए। दूसरी बात, मन में एक क्वालिटी जिसका अभ्यास हमें करना होगा, और वो कौन सी है, जो संकल्प चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जितनी देर के लिए चाहूं, वो मैं कर सकूं। आज मनसा संकल्पों में क्या हमारा आधिपत्य है? मैं खुद अनुभव करती हूं कि जब हम इस चीज को एक्सरसाइज के रूप से लेते हैं, तो सदा और निरंतर रूप से तो सफल नहीं हो पाते। इस पर नजरदारी रखने की आवश्यकता होती है, और ऐसी नजरदारी जिससे हमारे संकल्प स्ट्रीमलाइन हो जाए। मैं कभी कभी सोचा करती हूं, बाबा की एक महिमा है कि बाबा असोचता है, असोचता है, असोचता माना सोचता नहीं है, जो करना है उसे वो करता है।
ऐसे ही देवताएं सोचते नहीं हैं, देवताएं ज्यादा सोचते नहीं हैं, उन्हें जो करना है वही संकल्प उठाते हैं, दूसरा कोई संकल्प उनको नहीं आता, संकल्प कम है। तो मनसा सेवा में हेल्दी संकल्प चाहिए ना, वो हेल्दी संकल्प मुझे बनाने का अभ्यास करना है। और इसके लिए एक बहुत जरूरी अभ्यास जो कि आज दिन तक हम लोग मौन के रूप से कहते हैं, मौन रखो मौन रखो, मैं इतना तो नहीं कहूंगी लेकिन ये जरूर कहूंगी साइलेंस, क्योंकि एक बात मुझे अवश्य बुद्धि में लगती है, हमारी दादियों ने कभी ऐसे मौन नहीं रखे, लेकिन दादियों के संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, उनका बोल चाल हर चीज सेवा करता था। यानी उन्होंने अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल, इतना नियंत्रण रखा हुआ था, इतनी अधिकारी थी उस संकल्पों की, जो उनके संकल्प केवल सेवा के ही होते थे, औरों को सुकून देने वाले होते थे। तो साइलेंस का अभ्यास ये हमने सब दादियों में देखा है, इन आंखों से सब दादियां सब 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 साइलेंस साइलेंस साइलेंस। हम कर्म योगी हैं, कभी दादियां ज्यादा नहीं बोलती, जहां चार शब्द बोलने एक बोले। इकोनॉमी, हम वर्ड्स की इकोनॉमी तो करते हैं, मनसा सेवा में हमें संकल्पों की इकोनॉमी करनी है। सच्चाई की बात यह है, मनसा सेवा संकल्पों की सेवा नहीं है, संकल्पों द्वारा सेवा नहीं है, मनसा सेवा वाइब्रेशंस की सेवा है। हमारे वाइब्रेशंस कैसे हैं वो सेवा करते हैं। बाबा ने बताया कि जब आपके पास लोग आएंगे, आप ना तो सुना सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे, लेकिन आपके सामने आएंगे, ना भी आएंगे, आप अपने वाइब्रेशंस के द्वारा उन तक पहुंच सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, मैं अपने वाइब्रेशंस को चेक करूं, फ्रॉम मी व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर बीइंग एमिटेड, मेरे द्वारा किस प्रकार की वाइब्रेशंस जा रहे। बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की पधरावणी होती है, वाइब्रेशन से बाबा सारे सभागार को 40,000 बैठे हो, 30,000 बैठे हो, जितने बैठे हो, बाबा एक अपनी वाइब्रेशन से सबको एक मुष्ट कर लेते हैं, कोई बोल नहीं पाता। क्या चीज़ है बाबा की शक्तिशाली वाइब्रेशन से, दादियों के वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस मुझे केवल बीज रूप बाप के साथ याद में बैठना है, क्योंकि मैं बाबा के साथ, बाबा बीज रूप है तो मैं मास्टर बीज रूप हूं, पूर्वज है ना, पूज्य भी है ना, हमारे भक्त भी हैं तो हमारी जनरेशन भी है, उन सब के लिए
मेरा स्वरूप, मेरे में वो ताकत नहीं है, मैं तो बाबा से लेकर के ही। एक्चुअली अगर आप पूछें तो मैं ये भी बात नहीं कहती कि मुझे बाबा से लेकर के आगे देना है। मैं सोचती हूँ मैं बाबा के पास केवल बैठ जाती हूँ, बैठ जाऊँ वो काफ़ी है, बाबा अपने आप, मेरी स्थिति ऐसी होगी बाबा अपने आप सेवा कराएगा ना, मुझे तो बाबा का हैंड बनना है, अपनी अलग से सृष्टि तो मुझे बनानी नहीं है। बाबा ने ये जो सृष्टि रची हुई है उसमें केवल सहयोगी बनना है, मैं बाबा के साथ बैठ जाऊं, आगे बाबा जैसे भी सेवा अपने आप कराए, मैं साक्षात मूरत बनूं। साक्षात मूरत क्या है? एक है साक्षात मूरत, एक है साक्षात्कार मूरत। साक्षात्कार टेम्पररी चीज है, हुआ और फिनिश। दूसरा साक्षात मूरत अर्थात वो पूर्वज की फीलिंग, वानप्रस्थ की फीलिंग, बेहद की वैराग की फीलिंग, ज्योति बिंदु स्वरूप, वह है साक्षात मूरत। मैं ये बन करके रहूं, ये बन करके बैठूं तो ऑटोमेटिकली बाबा मेरा उपयोग करेगा। कभी क्या कारण है, हमारे कई भाई बहन हैं जो बताते हैं कि मैं कहाँ जंगल में बैठा था परंतु मुझे वहां पे ब्रह्मा बाबा दिखाई दे गया। कई बार कुछ बहनें बताती हैं अपना अनुभव, मैं एकदम अकेली जा रही थी, बाबा आ गया। कैसे आ गया? सच्ची देव, साफ देव और बाबा में निश्चय, ये चीज बाबा का अनुभव भी कराती है। तो जैसे हमारा बाबा ऐसा मुझे भी बनना है। आज हम सोचें, मानो बाबा मेरे भक्तों को मेरा साक्षात्कार कराना चाहते हैं, क्या मैं तैयार हूं? वो जिस रूप से मुझे देख रहे हैं, देवी शक्ति, शांति की प्रतिमा, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, उस रूप से मुझे देख रहे हैं, मैं रेडी हूं कराऊं? और कराए बाबा साक्षात्कार। बाबा को अभी हम क्या कहेंगे, बाबा थोड़ा समय अभी ठहरना पड़ेगा। ये है मनसा सेवा, खुद को तैयार करना ताकि मैं बाबा की हैंड बनूं, बाबा की इंस्ट्रूमेंट बनूं, ये है मनसा सेवा। इसमें हमें औरों को ज्यादातर जिस समय मनसा सेवा की बात आती है तो उस समय हम सबका ध्यान औरों की तरफ चला जाता है। कोई दूर दराज बैठे हैं, अफ्रीका के जंगल्स में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ दूर दराज चला, हमारा ध्यान बहुत कम अपनी तरफ जाता है। मैं रेडी होंगी तो ऑटोमेटिकली बाबा कराएगा ना। किसके लिए तैयार हो रही हूँ, किसका हैंड हूँ? बाबा का। बाबा आप ही कराएगा, मैंने नहीं करना। औरों को मैं बैठ के, जैसे लाइट होती है, लाइट ये नहीं कहती मेरे से प्रकाश यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, नहीं। लाइट बन के बैठ जाओ और अपने आप जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर वो चला जाएगा। इसमें मैं आपसे एक बात और कहूंगी और वो है कि हमारे पास मनसा सेवा के लिए, मनसा हमारी बहुत निर्मल, शुद्ध, पवित्र, शुभ भावनाओं वाली चाहिए। अगर मनसा के अंदर शुभ भावनाएं नहीं है, विशालता नहीं है, जो आज की मुरली थी, विशालता नहीं है मेरे मन के अंदर, अगर डिविशंस हैं, वो मन सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
क्योंकि ये सूक्ष्म है, डिविजन स्थूल दुनिया की चीज है। जब हम ऊपर चले जाते हैं, जैसे स्पेस पे जाते हैं, सारी सृष्टि एक नुक्ते की तरह नजर आती है। ऐसे ही जब हम ऊंचे उड़ जाते हैं मनसा सेवा के प्रति, अपने मन को इतना ऊंचा उठा लेते हैं, हमारे लिए सब कुछ समान है, समान है। तो सर्व के प्रति वो शुभ भावनाएं होती हैं, और शुभ भावना, शुभ कामना जरूर अपना स्वरूप दिखाती है। हम लोग पहले श्री राम और रावण का एग्जाम्पल दिया करते थे। रावण उनके हाथों मरना चाहता था, तभी कहता है कि मैं कहीं आपकी शुभ भावनाओं के वशीभूत ना हो जाऊं। शुभ भावना सर्व के प्रति, और इसके लिए प्यारे भाई और बहनों, आज अंतिम स्थिति में, अंतिम समय को परिस्थितियों के अनुसार नहीं ले रही, अंतिम समय में हमारी स्थिति, स्टेज क्या होनी चाहिए, उस स्टेज की ओर मैं आपका ध्यान खिंचाना चाहती हूं। ये सब होगा, ये हम जानते हैं, लेकिन मेरी स्टेज क्या? बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे अंतिम समय की बात मत करो, अंतिम स्थिति की बात करो, तुम्हारी अंतिम स्थिति कैसी होनी चाहिए। वो मन जिसके अंदर इच्छा मात्रम अविद्या, ये कूट कूट करके भावना भरी हुई है, वो मन सेवा कर सकता है, शुभ भावना, शुभ कामना वह मन। मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मेरी अपनी आशाएं हैं, अपनी अभिलाषाएं हैं, वो मन क्या काम करेगा? मैं अपने को ही पूरा करती रहूंगी। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा न रहे, तब ये मन ऐसे वाइब्रेशंस देगा। तब एक बार गुलजार दादी से पूछा था, मैंने कहा दादी जो आप वतन में आत्माएं देखते हो, कहते हो बड़ी अच्छी आत्मा थी, उसकी चमक है, आपको कैसे पता लगता है कि ये अच्छी आत्मा है? आत्मा है तो ज्योति बिंदु है, लाइट है। दादी ने कहा था कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, सतो प्रधान होती हैं, उनकी चमक ही और होती है, बहुत ब्राइट होती है, और जो थोड़ी ऐसी कमजोर होती है तो उनकी लाइट जैसे डम्प होती जाती है ना, ऐसी होती जाती है। और फिर दादी ने कहा था तमो प्रधान आत्मा है तो जैसे राख का कलर होता है, काली नहीं होती लेकिन जैसे राख का रंग होता है ना, ऐसी दिखाई देती है। ऐसे जो आत्माएं जिन मैं बनना चाहती हूँ, अपने आप को इतना ऊंचा उठाना चाहती हूँ, तो मेरे अंदर कुछ तो मूल धारणाएं चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। दूसरा न्यारापन, जो मेरी स्थिति चाहिए, न्यारेपन की चाहिए। जो बाबा जज का मिसाल देते हैं कि जब जज के आगे उसका अपना बच्चा आता है तो भी वो क्या करेगा, जज उस सीट पर है, उसके साथ वो पास खातरी नहीं कर सकता। ऐसे इतने न्यारे, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर, सब समान। ये न्यारापन हमारा बहुकाल का अभ्यास है। इच्छा मात्रम अविद्या बहुकाल का अभ्यास है। और तीसरी चीज, देने की भावना, दाता, दाता बन करके देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, हर एक को देते जाओ। मैं प्रायः कहा करती हूं,
ट्रक्स के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और लेक्चर सुनने के बाद मैं पूछती हूँ, अब क्या होना चाहिए? बुरी नजर वाले तेरा भी भला। इसमें बातें आती हैं, आप शुभ भावनाएं रखते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, कोई कोई आत्माएं होती हैं जिनके साथ आपके कड़े हिसाब किताब होते हैं। आज की डेट में तो मैं समझती हूँ ब्राह्मणों के ऐसे हिसाब किताब नहीं होने चाहिए, लेकिन कई आत्माओं के साथ अगर कड़े होते हैं उस समय आप क्या करेंगे? कड़े हिसाब किताब समाप्त करने के लिए भी शुभ भावना ही चाहिए। एक बार बड़ी दादी से मैंने कहा, दादी कुमारका से कोई ऐसी घटना थी, मैं दादी वो बंदा जो हर समय मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, मुझे तंग करता है, मैं उसके लिए शुभ भावना रखूँ? ये मेरे से होने वाला नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मुझे दिख रहा है और आप कह रहे हो कि शुभ भावना रखो, ये मैं नहीं कर सकती, मेरी कमजोरी है, मैं नहीं कर सकती। दादी ने मेरे से सवाल किया, अच्छा तुम बताओ होना क्या चाहिए? अब ज्ञानी तो आत्मा है, दादी होना तो शुभ ही चाहिए, पतित पावन बाबा है तो हम शिव शक्तियां भी तो वही करेंगे जो बाबा सिखाएगा, लेकिन मेरे में शक्ति नहीं है। मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूं कि मैं अशुभ कभी नहीं सोचूंगी, 100% कभी अशुभ नहीं सोचूंगी, लेकिन आपको शुभ रखो ये मेरे को मुश्किल लग रहा है। दादी ने कहा, तुम्हारी गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे, तुम मेरे कहने से शुभ भावना रखो, हो सकता है चेंज हो जाए। मैंने कहा आप कहते हैं तो मैं करती हूं, और मैंने ऐसे ही किया। वो आत्मा मेरी कोई मित्र तो नहीं बनी, लेकिन जो विघ्न डालती थी वो खत्म हो गए, अपना काम चलता है। तो प्यारे भाई और बहनों, इसमें ईगो ईगो बहुत बड़ा हर्डल है, और ईगो की बहुत सूक्ष्मता है, बहुत सूक्ष्मता है। मेरी बुद्धि, मेरा विचार, मेरी प्लानिंग, मेरा कंट्रीब्यूशन आदि आदि आदि, और सूक्ष्म धागे, हमें इनको भी जलाना होगा। और उसके साथ साथ ईगो को समाप्त करेंगे तब जा करके जो आत्मा की निर्मलता है वो निखरेगी, और वो निर्मलता जो है वो सही रूप देगी, वो निर्मलता जो है वो आगे चल करके एक साथी बन जाएगी सेवा का। हमारी स्टेज वो बाबा देखने चाहते हैं, और शीघ्र ही वो आनी चाहिए जो आज जड़ मूर्तियों के सामने हमारे भक्त जाते हैं, आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मेरे पाप माफ करो, विषय विकार मिटाओ। बाबा हम बच्चों को रूहानियत सिखाते हैं, जो रूहानियत की दृष्टि है, रूहानियत की शक्ति है, ये मनसा सेवा में उपयोग में आती है। इस रूहानियत के बल से क्या वो दिन हम साकार में नहीं देखेंगे? भक्ति में पढ़ते थे, फला व्यक्ति आया, उसने ऐसा करने का सोचा, और उसने देखा, एक नजर उस देवता की पड़ी, देवी की पड़ी, ऋषि की पड़ी, और वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया।
ये है हमारी मनसा सेवा का प्रताप, जो सामने पतित आत्मा भी आए, बाबा की मुरलियां, पतित आत्मा भी आए, परंतु बच्चे आपकी दृष्टि और वाइब्रेशन से वो बदल जाए। अंतिम समय के लिए हमें इस रूप से तैयार होना है। इन शब्दों के साथ बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, क्योंकि 12:40 तक का हमारा समय मैं 3 मिनट एक्सीड कर गई हूँ। कोई क्वेश्चन है? दीजिए, अच्छा सबसे होगा। पहले पूरे बाबा की बेहद सकास टीम की तरफ से, बाप दादा की तरफ से आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी के लिए यही कहेंगे, दीदी जी आप प्रभु रत्नों का नूर हो, धरती का कोहिनूर हो, और आपके ही ज्ञान रत्नों से, आपके उद्बोधन से हम सभी ब्राह्मण परिवार के सभी बाबा के नूर रत्नों में रोशनी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। जैसे देखा जाए कि कमांडो होते हैं, इसी प्रकार हम जो बाबा के रूहानी कमांडो हैं, वर्तमान समय में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अभी हमें करना चाहिए वर्तमान समय, वो थोड़ा बताइए। अगर मैं आपको बाबा की ही बात बताऊं, जी एक बार बाप दादा आए हुए थे और बाबा जाने लगे, सब महारथी सामने बैठे थे, लास्ट गीत जो होता है ना, दृष्टि लेके बाबा जाते हैं, बाबा जाने लगे थे और जाते जाते वापस आए, सब महारथियों को एक बात कही, तुम सबका काम है लाइन सीधी रखना। जी जैसी मैं हूं, मेरे पीछे भी दूसरे रहे हैं, तीसरे, उस लाइन में अगर मैं टेढ़ी चली गई, सारी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। हम जो बाबा के रूहानी बच्चे हैं और जिम्मेवार बच्चे हैं, हमें अपने आप को इतना उसमें रखना है, लाइन के शुरू में ऐसा सटीक रहना है जो दूसरे भी लाइन के पीछे लाइन लगती चली जाए। और अब ये जीवन मेरे लिए नहीं है, जैसे बीज होता है, बीज वृक्ष से लेना जब बंद कर देता है, तब ही वो दूसरे वृक्ष को जन्म दे सकता है। हम मास्टर बीज रूप, और अब हमने यहाँ से संसार से कुछ भी लेना नहीं, हम तैयार तैयार हैं, एवर रेडी हैं, हमें उस स्वरूप में अब रहना है। हर एक को बाबा की ओर, बाबा के पास समीप लेते आए, लेते आए, लेते हैं, हर एक को बाबा का ही परिचय दें। मुझे वो याद करें, लेकिन सबका ध्यान बाबा की ओर जाए, ये बात हमको ध्यान पर रखनी है। मीठा बाबा, मीठा घर, उनको स्मृति में आता जाए, ये ऐसी सेवा करें जो उनको घर की याद और बाबा की याद हो, और जो उनका वर्तमान में दुख दर्द, उसको हम शांति में और शक्ति में परिवर्तित कर सकें। मैं सोचती हूँ हमारी वर्तमान समय ये जिम्मेवारी है, केवल जी अपने प्रति नहीं, अपने साथियों को भी तैयार करना है, और वो ज्वालामुखी जिसके द्वारा सारे संसार की सफाई होनी है, उसकी तैयारी रखनी है। जी दीदी जी, आप जैसे ही हमारा ORC में लाइव होता है, तो जितने भी बाबा के बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी लाइव मेडिटेशन, ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल हमारे सम्मुख हैं और आप योग करा रहे हैं। तो हम रोज लाइव में भी आपको हम देख पाते हैं और हम लोग सब मिलकर सकास देते हैं दीदी जी, आप जब करवाते हैं। दीदी जी, एक क्वेश्चन है कि
कुछ चैटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक स्पेशल क्वेश्चन है कि मनसा सेवा में मनसा सेवा इतनी श्रेष्ठ सेवा है, इसमें पदम गुना जमा होता है, पर तुल सेवा में थोड़ा कम होता है, क्या इसका थोड़ा डिफरेंस नहीं, क्या है? महाराज मनसा सेवा करते हैं तो बहुत ज्यादा जमा होता नहीं, है। जी बाबा ने बताया कि हमको हर प्रकार की सेवा में मार्क्स लेने हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं और जी तीनों ही सेवाओं के अपने अपने नंबर हैं। ये बात नहीं है कि मनसा सेवा की ज़्यादा है, नहीं। और मैंने शुरू में आज बताया है कि ये नहीं कि अभी मैं मनसा सेवा के लिए बैठी हूँ, अभी मैं वाणी की सेवा के लिए बैठी हूँ, अभी मैं ये कर्मणा कर रही हूँ, नहीं। गुलजार दादी ने बताया कि तीनों कट्ठे कट्ठे होने चाहिए। और मम्मा की बात आपको याद दिलाती हूँ, सुनी जी भी होगी आपने। मम्मा से पूछा गया था कि मन वचन कर्म तीनों सेवाओं में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो मम्मा का उत्तर था, जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है वो इम्पोर्टेंट है, नंबर तीनों के एक जैसे हैं, लेकिन जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमको करनी चाहिए। तो मान लो कभी कर्मणा सेवा में सहयोग चाहिए तो उस समय उसके मार्क्स हैं, वाचा में चाहिए तो उस समय उसके मार्क्स हैं, लेकिन अगर हम तीनों को कंबाइन करके करें उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा। तीनों को कम्बाइन। यदि अभी हम चाहेंगे कि सभी को आप लाइव मेडिटेशन कराएं और विशेष रूप से सभी तैयार हैं, सब बैठे हुए हैं, सभी को आप 5-2 मिनट लाइव मेडिटेशन कराएं। जरूर। ओम शांति। आज मैं देख तो नहीं रही हूं, अनुभव कर रही हूं हमारे सब प्यारे बाबा के लाडले पुरुषार्थी अपनी लगन की अग्नि को जगा के रखने वाले ज्वाला स्वरूप बाबा के लाडले बच्चे मुझे अदृश्य रूप से दिखाई दे रहा है। तो आप सब, क्योंकि हम सब रूहें हैं, और आज की मुरली में तो क्या शानदार बाबा ने कहा, स्नेह का सागर रूहों से मिलने के लिए जब आता है तो क्या एनर्जी उसकी होती है, वो तो हम सब अनुभवी हैं। तो चलते हैं चंद क्षणों के लिए अपने प्यारे मीठे बाबा के पास चल करके बैठते हैं। बाबा, आपने हमें इतना सुंदर मौका दिया, जो आज हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप जो बात हमें कहा करते थे आज हम उसको साकार रूप में देख रहे हैं, बाबा आपका कितना थैंक्स करें। तो अपने उस स्वरूप को इमर्ज करिए। मैं अति शक्तिशाली, मैं आत्मा हूं मात्र नहीं सोचना, मैं अति शक्तिशाली हूं, अति निर्मल हूं, अति पवित्र हूं, अति शुद्ध, केवल अपने स्वरूप में बैठ जाओ बाबा के साथ, और बाबा से सकाश आवाहन कर रहे हैं।
शक्तिशाली किरण है। मुझ आत्मा में शक्ति का संचार कर रही है। बाप दादा के साथ सैर पर चल रही हूं। संचार कर रहे भक्तों के पास वैज्ञानिकों के दुखी अशांत आत्माओं के शक्ति का संचार करते हैं, खुशी का संचार करते हैं। सूक्ष्म वतन से भरपूर होकर अब मैं अपने कर्म क्षेत्र में वापस आ रहे हैं।
है। यही दीदी जी के लिए दिल के उद्गार हैं कि आज की जो क्लास थी, इतने दिनों से वेबिनार्स हम अटेंड कर रहे हैं, पर आज की जो क्लास है निश्चित तौर पर एक सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास थी। आज दिन तक हमने भी बहुत सारी मनसा सेवा के ऊपर क्लासेस सुनी है, पर जो गहराई और जो गहन नॉलेज आज हमें प्राप्त हुआ बहुत ही विशेष था। आदरणीय दीदी जी के लिए कहेंगे कि ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के ही बनाए हैं, और उन रत्नों में सबसे बेशकीमती रत्न दीदी जी आज हम सभी बाबा के बच्चों के लिए आप लाइव आए हैं। और आज लॉकडाउन के समय आपने जो सकास की बात बताई और जो मनसा सेवा के लिए हम सबको इतना सुंदर उद्बोधन दिया, पुनः दीदी जी दिल की अनंत गहराइयों के साथ बहुत ही थैंक्स है, धन्यवाद है। और निवेदन करेंगे दीदी जी, आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार इस पूरी टीम को, जिसमें लाखों बाबा के बच्चे, पूरे 140 देशों के लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं और भट्टी चलती है, सकास सेवा रोज 6 से 8 बजे करते हैं और विशेष रूप से अलग अलग टारगेट लेते हैं, तो इसके लिए आप जरूर मार्गदर्शन करते रहिएगा। पुनः धन्यवाद। थैंक यू। जरूर। ओके। ओम शांति।